स्वागत है जैन साहब आपका। बताएं सर कौन सा स्ट्रोक चुना है आज आपने जीएम के लिए जो कमाल करने वाला है। वैसे तो आपके स्ट्रोक हर रोज सारे कमाल करते ही हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। पहले बताएं स्टॉक कौन सा है और उसके बाद उसकी डिटेल्स भी बताएं सर। यस, थैंक यू सो मच अनिल जी, गुड मॉर्निंग। एंड स्टॉक है शांति गियर्स। इनफैक्ट आप देखिए जिस तरीके से सारे ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स काफी माहौल में है और काफी तेजी में, और पिछले कुछ दिनों से काफी ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स रिकमेंड भी किए हैं, और देखिए गैब्रियल इंडिया भी चला, मुंजाल ऑटो, मुंजाल शोआ सब चल रहे हैं। तो वैसे ही मुझे लग रहा है शांति गियर्स जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी और एक बहुत पुरानी कंपनी है, चार डिकेड से चार साल पुरानी करीब कंपनी है और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की एक सब्सिडियरी है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल काम करना चाहिए। एक तो सबसे बढ़िया बात है डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है कंपनी का, करीब 2% के लगभग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है और डिविडेंड काफी देती है कंपनी, करीब 78% के लगभग का डिविडेंड पे आउट है, और आपके कंपनी ने डेटर डेज भी इंप्रूव किए हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस कंपनी में जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है और जो अभी ऑटो इंसिलरीज में जो आज बहुत बड़ी एक मीटिंग भी है टू व्हीलर्स और फोर, मुझे लगता है अगर टू व्हीलर्स में जीएसटी की कमी आएगी तो हो सकता है आगे फोर व्हीलर्स वाले भी डिमांड करेंगे तो वहां पे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो आई फील कि बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए और आराम से जो मेरा टारगेट है वो करीब 130 के लगभग का है, मैंने 120-125 के लगभग रखा था, बट मुझे लगता है कि अभी ऑटो इंसिलरीज में जो माहौल है कम से कम 130 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता है। बट अगेन मुझे लग रहा है कि स्टॉक काफी चल चुका है तो नाम जरूर से नोट करके रखिए। आज मार्केट में वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप खूब चल रहे हैं, धूम मची हुई है, तो कई बार ऐसा नहीं हो कि ऊपर के लेवल से फंस जाए, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ट्विटर पे या फिर लोग बाग बस नाम सुनना चाहिए और कोई भी स्टॉक कोई भी भाव पे ले रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अपना प्लीज देख के काम कीजिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है इसमें कोई दो राय नहीं है और लेना भी है, बट अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज और अपनी प्लानिंग और कम से कम 6 से 9 महीने की अवधि, ये नहीं कि आज लिया कल रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो उस हिसाब से अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड करें, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रहे हैं तो जैसा जैन साहब बोलते हैं आराम से जो कहते हैं ठंडा करके खाए, गरम गरम खाने की कोशिश न करें, मुंह जलने के भी चांस रहते हैं, तो ये देख लें कि आप कितना गरम खा सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए खाएं। तो कुल मिलाकर यह है कि स्टॉक आजकल मिड कैप में यूफोरिया ऐसा चल रहा है, महाकुंभ लगा हुआ है मिड कैप में, स्मॉल कैप में तो नाम लेते हैं स्टॉक ऐसे भाग जाते हैं। आप आराम से शांति से शांति गियर को खरीदें, कोई अशांति करने की कोशिश ना करें, हड़बड़ी करने की कोशिश ना करें, जल्दी करने की कोशिश ना करें, ऑल बायर्स विल बी सेटिस्फाइड। जैन साहब यही है ना बराबर? बिल्कुल, आपने गजब बोला, वो मैंने मतलब ये शांति से लें, अशांति नहीं करें, बहुत बढ़िया, शांति की अर्थ को शांति से लें, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनिल जी।